हेलो स्टूडेंट्स, बीएमटी के लेक्चर 7 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो चलिए आइए आज सीखते हैं व्हाट इज एएम एंड हाउ टू फाइंड एएम बिटवीन टू गिवन नंबर्स। ठीक है, तो आइए बच्चों आज जानते हैं समांतर माध्य क्या है और दो राशियों के दो दिए गए नंबर के बीच हम समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। आइए सीखते हैं, एंजॉय द वीडियो। ए एम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन हिंदी में कहते हैं इसे समांतर माध्य। क्या कहते हैं बच्चे हिंदी में? समांतर माध्य। ठीक है, आइए सीखते हैं। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को सारा प्रूफ भी करवा दिया है, एक एक करके एपी का सारा फॉर्मूला मैंने सिद्ध कर दिया है। आप मेरे वीडियो के लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में होगा, आप जाकर देख लें, आपको सारा फॉर्मूला एपी का मिल जाएगा, कैसे मैंने फॉर्मूला प्रूव किया है, एएम क्या होता है, सब कुछ मैंने बता दिया है। इसलिए मैं डायरेक्ट सवाल पर आता हूं। फाइंड द एएम, हो गया, फाइंड द एएम क्वेश्चन बच्चों 10 एंड 20, 10 एंड 20 का एएम निकालना है। एक सवाल और दे रहे हैं, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये सब का आपको एएम निकालना है। ठीक है, यहाँ इसके बीच में कोई एएम निकालने नहीं बोला, सिर्फ 10 और 20 का एएम क्या होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी का एएम क्या होगा वो निकालने का है। देखिए, तो मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था बच्चों, कि ए बी सी अगर आपका एपी में हो, ए बी सी अगर एपी में हो तो बीच में जो आता है वो हो गया अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य। सब फॉर्मूला था ए प्लस सी बाय टू, क्या था बच्चों फॉर्मूला, ए प्लस सी बाय टू। तो मेरा यहां पर 10 और 20 दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो ये आपको याद होना चाहिए बच्चों नोट में। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, 10 एंड 20, 10 है और 20 है, इसका ए एम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना बच्चों, ए एम निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए एम बराबर, ये जो फर्स्ट में दिया है और जो लास्ट में दिया है दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 30/2, कितना होगा 15, ये आपका ए एम हो गया। समझ गया, मतलब दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, वो आपको क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए बच्चों इसे क्या दिया है, 2 नंबर में ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, तो ए माइनस बी और क्या है बच्चों, ए प्लस बी, इसका हमें ए एम निकालना है, अर्थमेटिक मीन। तो ए एम बस इतना प्लस इतना बाय टू, मतलब क्या है, इतना मतलब ए माइनस बी, उतना मतलब ए प्लस बी और बाय टू। बस बच्चों ये जोड़ ए माइनस बी और ए प्लस बी को हम जोड़ दिए और 2 से भाग कर दिए। ठीक है, तो देखिए प्लस बी माइनस बी कट गया, ए और ए क्या हो गया, 2a/2, 2 कट गया, क्या हो गया बच्चों, ए। तो ए आपका समांतर माध्य हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए बच्चों सुनिए, फाइंड थ्री एएम्स बिटवीन, फाइंड थ्री एएम्स बिटवीन 16 and 24। क्या बच्चों क्वेश्चन, फाइंड थ्री एएम्स बिटवीन 16 and 24, मतलब 16 और 24 के बीच में 3 समांतर माध्य निकालें, 16 और 24 के बीच में 3 समांतर माध्य निकालें। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, मतलब यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। 16 है और 24 है, कितना ए एम बच्चों, 3 ए एम। तो पहला को मानते हैं ए एम,
ए वन, दूसरा को ए टू और तीसरा को ए थ्री, तीनों निकालना है ना। थ्री ए एम, तो पहला को मान लिए ए वन, दूसरा को मान लिए ए टू, तीसरा को मान लिए ए थ्री। फोर ए एम्स करता तो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर। फाइव ए एम्स करता ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव। इसमें जितना ए एम्स कहेगा उतना भी इसमें रख देंगे, क्योंकि बोला है बिटवीन, मतलब दोनों के बीच में। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। अब पहला टर्म कितना, देखिए ए हो गया 16, टोटल नंबर कितना हो गया, लीजिए एक दो तीन चार पाँच, कितना हो गया पाँच तो नहीं हुआ। ऐसे भी 16 और 24 के बीच में कहा तीन ए एम, तो तीन तो ये हो गया और दो तो ये हो गया, पांच हो गया। और लास्ट टर्म कितना दिया बच्चों, 24 दिया है। एंड गिवन क्या दिया बच्चों, ए एन बराबर 24। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 24। पुट कर दिए, ए देख लीजिए ए कितना है 16, एन कितना है पाँच, पाँच माइनस एक इंटू डी बराबर 24। तो पाँच माइनस एक ये हो गया 4d, और ये 16 प्लस में है इधर ले आइए, माइनस 16 हो गया बच्चों, ध्यान दीजिए 4d बराबर 24 में गया 16, कितना हो गया 8 हो गया, इसलिए डी बराबर 8/4, 4 × 8। डी का मान क्या निकला बच्चों, डी का मान आपका हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए बस डी का मान निकल गया, आपका काम समाप्त तो हो गया। क्या करना है आप देखिए, ए वन का फॉर्मूला आपका होगा ए प्लस डी। ए वन क्या होगा, ए प्लस डी, आपको बताए थे ए पी का जो चलता है सीरीज, पहला होता है ए, फिर होता है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन चलते जाता है। ठीक है ना, तो ए वन हो गया ए प्लस डी, पुट कीजिए ए कितना है बच्चों 16, डी कितना है बच्चों 2, 16 और 2 जोड़ देंगे कितना होगा 18। समझ गया, पहला ए आपका ये हो गया। ए टू, ए प्लस टू डी, तो ए हो गया 16, 2 और डी कितना बच्चों 2 है, तो 2 × 2 = 4 और 16 कितना हो गया बच्चों, ये 2 × 2 = 4 हुआ और ये 16 जोड़ दिए, 16 × 4 कितना हो गया 20 हो गया, 16 × 4 कितना हो गया 20 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ए थ्री, ए प्लस थ्री डी, ए कितना 16, 3 और डी कितना निकाले बच्चों 2 निकाले हैं, 2 बढ़ा दीजिए, तो 3 × 2 = 6 और 16, 16 और 6 कितना हो गया 22, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो यहाँ लिख दीजिए ए एम्स क्या हुआ 18 मैंने 18, 20 मतलब 20 एंड 22 मतलब 22 आंसर। समझ गए बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए एक सवाल और देख लेते हैं, और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो बच्चों, ध्यान दीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 को मैंने चलिए 5 कर दिया, क्या कर दिया बच्चे 5। ठीक है बच्चों, क्या कर रहे हैं 5 कर रहे हैं, फाइंड 5 ए एम बिटवीन 1 एंड 7/2। क्या दिया बच्चों 1 एंड 7/2, देखिए कितना है आपका इसमें फर्स्ट टर्म, ए का मान 1 हो गया। ठीक है, चलिए पहले ऐसा लिख देते हैं 1 एंड 7/2 के बीच में कर रहा है ना, गिवन कितना बच्चा 5 ए एम, तो मान लेते हैं ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड ए फाइव, ये आपका 5 ए एम्स हो गया। तो फर्स्ट टर्म ए हो गया 1, उसके बाद टोटल नंबर गिन लीजिए 5 हो गया है, 1 से 5 तक मतलब 5 ये 6 7 कितना हो गया 7। चलिए अब लिख लीजिए ए एन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पुट कर दीजिए ए कितना है 1, एन माइनस वन मतलब 7 − 1 और डी तो कुछ नहीं है, और ए एन का वैल्यू कितना था 7/2, यहाँ लिख दीजिए बच्चों 7/2 को दिक्कत, चलिए आप सब सॉल्व कीजिए क्या हुआ 7 − 1 6d = 7/2,
प्लस वन को उधर ले जाइए तो सिक्स डी इक्वल टू कितना हो गया सेवन माइन सेवन बाय टू और माइनस वन हो गया। ध्यान दीजिएगा सिक्स डी इक्वल टू एल सी एम आपका टू हो गया, सेवन माइनस दो एकम दो वाई, इस दो को एक से गुना किए तो हो गया बच्चों। ध्यान दीजिएगा तो कितना हो जाएगा सिक्स डी बराबर सात में गया टू तो पांच बटे दो हो गया, देयर फोर डी बराबर पांच बटे दू और नीचे में छह ले आइए कितना हुआ पांच बटे बारह। ये डी का मान निकल गया, बस डी का मान जैसे निकला अब आपको ए वन ए टू ए थ्री निकाल देना है। इतना तो है बच्चों, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, आप लोग समझ तो गए ही होंगे, कुछ नहीं है सिर्फ डी निकाल लेना है। अब यहां पर क्या हो बच्चों ए वन, ए वन क्या होता है ए प्लस डी, तो देखिए ए कितना है वन और डी कितना है फाइव बाय टू, फाइव बाय ट्वेल्व है, फाइव बाय ट्वेल्व कितना हुआ बारह एकम बारह और पांच सत्रह बटे बारह, पहला निकल गया बच्चों ए टू ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी वन और डी का मान फाइव बाय ट्वेल्व, देखिए बारह एकम बारह और पांच दूनी दस, बारह को एक से गुना करेंगे बारह होगा और पांच दूनी दस, बारह एकम बारह और पांच दूनी दस, बारह दस कितना हो गया बाईस बटे बारह से कटा लीजिएगा ए थ्री ए प्लस थ्री डी तो वन प्लस थ्री और डी कितना होगा फाइव बाय ट्वेल्व। ध्यान दीजिएगा बारह एकम बारह, बारह को एक से बारह और पांच दिया पंद्रह, पंद्रह बारह कितना हो गया सत्ताईस बटे बारह। उसी प्रकार ए फोर ए प्लस फोर डी, आप खुद निकाल लीजिएगा ए फाइव ए प्लस फाइव डी, ये दोनों आपका मैंने छोड़ दिया ए फोर और ए फाइव आप इसे छोड़ दिया, ऐसे निकाल लीजिएगा ठीक है बच्चों। तो आपका सेवनटीन बाय ट्वेल्व ट्वेंटी टू बाय ट्वेल्व ट्वेंटी सेवन बाय ट्वेल्व और जो आएगा दोनों वो निकाल लीजिएगा वो आपका ए एम हो जाएगा। ऐसे भी आप पता कर सकते हैं सत्रह पाँच बाईस पाँच सत्ताईस, तो यहाँ सत्ताईस और पाँच बत्तीस बटे बारह आएगा, बत्तीस और पाँच सैंतीस बटे बारह आएगा, देखिए कैसे बढ़ रहा है सत्रह था सत्रह और पाँच बाईस हुआ, बाईस पाँच सत्ताईस हुआ, सत्ताईस पाँच बत्तीस हो जाएगा, बत्तीस और पाँच सैंतीस हो जाएगा ठीक है बच्चों। ये आपका ए एम हो गया। तो इस प्रकार बच्चों आप लोगों ने सीखा दो दिए गए नंबर के बीच हम समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, इसे ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाँ एक बात और, जिन्होंने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके ठीक है बच्चों। बाय बाय, गुड बाय।